ये कोई नया सब्जेक्ट नहीं है, हमने अभी स्कूल की हिस्ट्री बुक्स में पढ़ा है, बट पिछले कुछ 5-6 साल में हमने जो देखा है, यू नो, द सोशल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, देयर सीम्स टू बी अ क्लैमर, यू नो, टू रीजेक्ट द हिस्ट्री ऑफ, यू नो, ऑफ दिस एरा. और ऐसे सोशल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में ये सब्जेक्ट को चूज करना, निमिषा, आई थिंक आप पहले बता सकती हैं, बिकॉज आई वुड से इट्स अ वेरी वेरी ब्रेव कॉल टू टेक अप समथिंग इन द करंट सोशल पॉलिटिकल मिलियू. सो आई वुड लाइक टू से कि इतना कुछ ब्रेव नहीं कर रहे हम, क्योंकि सेटअप भले ही इट्स अ मुगल सेटअप, इट्स बेस्ड इन द टाइम्स दैट इट इज बेस्ड, लेकिन ये जो कहानी है ये एक परिवार की कहानी है और उनके फैले हुए रायतों की कहानी है, यू नो. तो इट इज नॉट एट ऑल अ रिस्की शो, इफ यू मे कॉल इट, और यू नो, इट इज अ शो विच इज अबाउट these humans, right? They just happen to be in these stunning outfits. They happen to be in a wonderful palace designed by Umang. But it's a story of a father. It's a story of 3 sons. It's a story of a mother. It's a story of a woman who loves and who wants her freedom. So, ye kahani jin kirdaron ki hai, wo kirdar aaj bhi utne relevant hai jitne वो उस जमाने में. सो यू नो, इट्स आई थिंक इट वुड बी फेयर टू से दैट इट्स अ स्टोरी विच इज एज रेलेवेंट टुडे एज इट वर बैक देन.